तो देवी और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सिटी केबल के प्रोग्राम में। तो आज के हमारे डिबेट का मुद्दा है कि हिंदी सिनेमा के गीत मतलब के होते हैं या बेमतलब के। सो इस विषय में हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं कुछ मतलब के लोग और कुछ बेमतलब के लोग। तो मतलब के लोगों में से हमारे साथ मौजूद है मुंबई से शंकर, एहसान और लॉय साहब, और बेमतलब लोगों में से हमारे साथ जुड़ी हैं बेमतलब 80 रोटियां खाने वाली औरत और बेमतलब औरत घूमने वाला इंसान। हम बेमतलब औरत नहीं बने हैं, इससे घर बार चलता है हमारा, समझे? बात करता है रोहित साहब, आप चलती डिबेट में कैसे घुसा है? चलती डिबेट में आता है, रुकी हुई डिबेट में कौन आता है? मैंने कल इस आदमी को इसकी शर्ट पकड़ के ऑलमोस्ट मैंने नाक पहुंच दिया था, ये फिर भी आ गया। ओ माय गॉड, शंकर एहसान लोहे साहब आए, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो आप जितने भी गाने बनाते हैं वो सारे मेरी ड्रिंकिंग हैबिट्स के ऊपर बनाए। तो आपका गाना था मन मगन मगन मगन, मैं इतना मेरे को अच्छा लगा, मैं दिन पी रहा था, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ ना आया कि गाने की वजह से टूट रहा हूँ कि दारू की वजह से। मेरे को बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा हुआ। थोड़े दिन पहले गणपति जी आए थे, आज शंकर जी आए, बहुत अच्छा लगा। चलो भाई शुरू करो यार। जी जी बैठिए प्लीज अरोड़ा साहब। शुरू हो चुका है, करो क्या? तब फिर खत्म हो जाओ। तो जी चर्चा शुरू करते हैं हमारी डिबेट पे। बड़े तुम करो चर्चा, मेरे पहले बड़े चर्चे हैं। आप बताइए, आपको हिंदी सिनेमा के गानों से क्या प्रॉब्लम है? अरे जीतू साहब, मेरे को पहले उस गाने से बड़ी प्रॉब्लम थी, कहती पौ कहती पै, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब से मैंने इस आदमी का मुंह देखा वो मेरे को गाना ठीक लगने लगा। कहती पौ कहती पै, ये कोई गाना हुआ यार? हाँ जी, मैं आपके मुंह पर जो पौ करता हूँ। रोड साहब आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस है, तुम कहीं पे भी गोबर कर सकते हो। तुम और ये कहीं पे भी कर देते। आप थोड़ा सा क्या मुंह संभाल के बात कीजिएगा। तू अपना मुंह संभाल, टीवी से बाहर जा रहा है। अरे नहीं जाएगा, हम अपने कंधों से मुंह को बांध के आए हैं, कुछ नहीं होगा। प्लीज आप लोग मुद्दे से मत भरकिए, प्लीज प्लीज मुद्दे पे रहिए। जी शंकर सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कुछ गाने ऐसे होते हैं हिंदी फिल्मों में कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मतलब ये क्या किस तरह के गाने हुए? ये जाके अपने पिताजी से पूछो। मेरी मौजिल मेहमान, मेरी बात सुन मौजिल, तेरे को ये शब्द करोड़ा साहब प्लीज प्लीज, ये डिबेट चल रही है। मौजिल कहता मौजिल, ऐसा लग रहा है इसके मुंह में जुराब फंसी हुई है। अगर तुमने इतना हैवी उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर तेरे मुंह में शब्द फंस जाता, तुम्हारी सांस अटक जाती, कौन जिम्मेदार होता? प्लीज अरोड़ा साहब प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या जितने भी गाने आते हैं हमारे हिंदी सिनेमा में वो सारे रियल होते हैं? जैसे हवन करेंगे ये गाना है, बोल तो दिया गाने में हवन करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। कई गाने ऐसे होते हैं जी 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 जो पिक्चर के सिचुएशन को देख के बनाए जाते हैं, जैसे हम हैं, और कई गाने बस ऐसे आइटम सॉन्ग बन जाते हैं जैसे ये। यार कर लो यार, मैंने आप प्लीज अरोड़ा साहब, आप क्यों मुद्दे से भटक जाते हैं? बारिश में दो चीजें होती हैं, एक तो मेंढक बाहर आते हैं, दूसरा ऐसे बच्चे होते हैं। चलो भाई इंटरव्यू करो आगे। जी शंकर सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर संतोष की शादी होती है तो कौन सा गाना बजेगा? दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। कहते अपनी मौत का सामान ले चले, दुल्हन नहीं हम तो दुकान ले चले। क्या तरीका है ये बात करने का? जुलिया बेटे जुलिया, अकेला देख के दबा रहे हो उसको। आप इनको अकेला बोल रही है? ये अपने आप में पूरा मेला है। अरोड़ा साहब आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं यार। तुम्हारा मुंह तुम्हारी बॉडी से भटका, मैंने कुछ कहा?